हम बनाने जा रहे हैं दही वाले कबाब। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कबाब बनाए और वो थोड़े बहुत बच गए, या आपका दिल नहीं चाह रहा फ्राई वाले कबाब खाने का, तो आप इस डिश को ट्राई कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई फंक्शन पार्टी है और उसमें तले हुए कबाब बहुत सारे बच गए, और आपने जब उसे दोबारा फ्राई किया तो वो हार्ड हार्ड से होगा और किसी को अच्छे नहीं लगे, तो उसमें भी आप इस डिश को ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर तो मैं आपको एक बिल्कुल नई डिश की तरह बता रही हूँ कि हमारे अभी ये कच्चे हैं, कच्चे कबाब हैं, जिसको मैंने टुकड़ों में कर लिया है, एक एक के तीन तीन टुकड़े कर लिए हैं। इसको मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। देखिए, मेरे तीन कबाब थे, इसके मैंने तीन तीन टुकड़े कर लिए, एक कबाब के तीन टुकड़े। यहाँ मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच घर की जो दूध के ऊपर आई हुई मलाई होती है उसे लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ लिया है मैंने दही। दही जो है, क्योंकि ये दही की डिश है तो इसलिए ये दही हमने थोड़ी ज़्यादा ली है। आप लगभग ले लें, जैसे आपने 2 चम्मच ये लिया है तो आप 4 चम्मच ले लें, जस्ट डबल कर लें आप इसे दही को। इसके अलावा हमने कुछ हरी मिर्चें ली हैं, इनको स्लिट कर लिया है, मोटा ही मोटा है, बहुत ज़्यादा नहीं, आपकी मर्ज़ी है, चाहे इसे और बारीक कर ले। 1/2 चम्मच नमक लिया, ये टेस्ट के अकॉर्डिंग कर ले, और 1/4 चम्मच मैंने काली मिर्च ली है। तो चलिए फिर हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें अपने जो ये कबाब हैं इनको फ्राई करना होगा। देखिए, मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है और उसके अंदर डाला है मैंने 1 चम्मच ये बटर का और 1 चम्मच देसी घी का, क्योंकि खाली अगर आप बटर में करेंगे तो फिर ये जल जाएगा बटर, तो इसलिए हमने इसके साथ देसी घी का भी इस्तेमाल किया है। तो आप बराबर बराबर ले लें, और जब ये आपका मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें अपने जो हमारे कबाब हैं उसको फ्राई करेंगे। देखिए, अब ये दोनों चीज़ें हमारी मेल्ट हो चुकी हैं, बटर भी और देसी घी भी। तो अब हम फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसके अंदर जो मैंने आपको कबाब दिखाए थे उसको डाल देंगे। ये तैयार कबाब है, और अगर आप चाहें तो आप कीमे का भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें आपको पूरी मेहनत करनी होगी। पहले कीमे में सारे मसाले डाल करके आपको कबाब की शक्ल देनी होगी। और यहाँ हमारे पास बने हुए थे तो इसलिए मैंने आपको ये दिखाया है। अब इसको हमें उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन से ना हो जाए। फ्लेम को थोड़ा कम ही रखें ताकि ये खूब अच्छी तरह से सिक जाए। जब तक हमारे ये कबाब फ्राई हो रहे हैं, इतनी देर में हम अपनी ये दही को और मलाई जो हमने निकाली है क्रीम, उसको खूब अच्छी तरह से फेंट लेंगे। को चलाते हुए हमें फ्राई करना है, नहीं तो ये एक तरफ से जल जाएंगे। और हल्के हाथों से करें, नहीं तो ये टूट भी सकते। ये देखिए, कलर आना शुरू हो गया, इसी तरह हम पूरा कर लेंगे इसे। उसके बाद इसमें हम अपने दही और क्रीम को डालकर इसे तैयार करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब आप जो है इसको बनाए ना, तो दही में सिर्फ पानी ना डालें, इतना पानी उसके अंदर खुद है तो वो खुद ही ग्रेवी बनकर तैयार हो जाए। पानी डालेंगे तो वो ना तो देखने में अच्छा लगेगा और ना ही खाने में अच्छा लगेगा। देखिए, अब ये लगभग फ्राई होने के करीब आ चुके,
चाहे तो आप ऐसे भी खा लें, क्योंकि ये एक नई डिश है इसलिए मैं ऐसे अभी खाऊंगी नहीं, बल्कि इसकी एक दूसरी डिश बनाकर तैयार करूंगी। देखिए हमारे कबाब जो हैं फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इस वक्त बहुत ज़्यादा नहीं जलाना है, बस इतना ही रखना है। इसके अंदर हरी मिर्ची डालेंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे, वही जो हमने आधा चम्मच लिया, तो बाद में हम टेस्ट करके देखेंगे। और काली मिर्च मैं डाल देंगे, इसको फिर से घुमा देंगे ताकि ये भी मिर्ची भी थोड़ा सा फ्राई हो जाए। बस अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, उसके बाद अपनी दही और क्रीम को डालेंगे और हम इसके अंदर डालते हैं दही। अब थोड़ा सा इसको चला देते हैं। साथ में ये जो हमने क्रीम आपको दिखाई थी मलाई, उसे डाल देंगे। देखिए हमारे दही कबाब की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। अब फ्लेम हमने इसलिए ऑफ किया कि अगर हम आग जलते रहने देते तो ये होता कि दही फट जाती, मलाई फट जाती, फिर आपकी रेसिपी जो है ना, ये जो रायता टाइप बना है ना, ये ख़त्म हो जाता। तो इसलिए आप ये जब भी आप इससे बनाएं, तो आप जब आप खाने बैठें तो उसी वक्त ही इस डिश को बनाएं, टाइम लगना नहीं है। बस एक तरफ उसको फ्राई किया और तमाम चीज़ें फेंट करके इसमें डाल दी। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ।